मुरादाबाद डिलीवरी बॉय बनकर अमेजोन कंपनी को लगाया लाखों का चूना, साइबर क्राइम पुलिस ने किया गिरफ्तार, 7,50,007 सिम, 1 मोबाइल पुलिस ने किया बरामद, एएसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान किया खुलासा। आपको बता दें कि साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है जो डिलीवरी बॉय बनकर अमेजोन कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगाया है। सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्त अमेजोन कंपनी पर फर्जी आईडी प्रयोग कर सामान ऑर्डर कर माल को हब में आने के उपरांत फर्जी तरीके से डिलीवरी दिखाकर बड़ी धनराशि अपने amazon.pay के वॉलेट में ट्रांसफर कर लेता था। पकड़ा गया साइबर ठग विशाल चौधरी द्वारा अपने अमेजोन पे वॉलेट से एजी माउंट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन गोल्ड ब्रांड क्रय विक्रय कर धोखाधड़ी से प्राप्त कर धनराशि को अपने बैंक ऑफ इंडिया HDFC के खाते में ट्रांसफर कर लेता था। पकड़े गए अभियुक्त ने अमेजोन की सहायक कंपनी MM लॉजिस्टिक को करीब 8.5 लाख का नुकसान पहुंचाया है। अभियुक्त के बैंक ऑफ इंडिया HDFC के खाते में करीब 7.5 लाख रुपए की धनराशि को साइबर क्राइम थाना पुलिस द्वारा फ्रीज कराया गया है। ये साइबर थाना मुरादाबाद ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक शातिर किस्म के साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम है विशाल चौधरी और ये पूर्व में MM लॉजिस्टिक कंपनी जो कि यहाँ पर अमेजन का वेयर हाउसिंग चलाती थी वहाँ पे काम करता था। और इस संबंध में वहाँ के जो मैनेजर हैं उन्होंने एक हीरेंद्र पुंडीर उन्होंने एक तहरीर दी थी जिसमें उन्होंने बताया कि यह जो व्यक्ति है ये अमेजन पे के ऐप का इस्तेमाल करते हुए लगभग कंपनी के 8.5 लाख रुपये का इसने फर्जीवाड़ा करते हुए पैसों का गबन किया। इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसके बारे में जो जो साइबर थाना है इसने विवेचना की और इसमें पाया गया कि यह बहुत सारे फर्जी जीमेल आईडी इसने बनाए थे और उन जीमेल आईडी का इसने अमेजन पे अकाउंट भी बनाया जिनके थ्रू ये प्रोडक्ट अपने फर्जी एड्रेस पे जो इसने बनाए थे उन पे ये डिलीवर कराने के लिए कहता था। और ये जैसे ही हब में प्रोडक्ट आते थे तो ये उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर्ड दिखा देता था निश्चित स्थान पर और प्रोडक्ट हब में ही रहते थे। और उसके संबंध में जो पैसे जो प्रोडक्ट के पैसे जो लिए जाते थे जिसको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है उससे जो जैसे 2000 का प्रोडक्ट है तो ये 20,000 रुपये उसको दिखाते थे और बचे हुए पैसे ये अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेता था। तो इस प्रकार से इसने धोखाधड़ी करते हुए लगभग 8.5 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन करा और उसको अगमोंड पोर्टल है एक जिसपे गोल्ड बॉन्ड खरीदे और गोल्ड बॉन्ड को बेचकर उसने काफ़ी ये जितने भी पैसे थे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तो इसका इस साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर और इसका अनावरण करते हुए एक बहुत ही शातिर तरीके से किए जा रहे अपराध का अनावरण किया और ये इससे साइबर अपराध में कमी आएगी और आगे भी इस तरीके के कोई भी अगर होता है तो उस पर उसका अनावरण किया जाएगा। सर अब तक ये